नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर टू। ठीक है, तो जो चैप्टर टू है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं पाइथन टर्टल के बारे में। ठीक है, कि पाइथन टर्टल क्या होता है और इससे हम क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके जो इस चैप्टर है इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बता रखा है कि जो पाइथन टर्टल लाइब्रेरी है वो क्या होती है, और उसके बाद फिर हम उसका यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, फिर हम ये समझेंगे कि स्क्रीन क्या होती है और जो टर्टल यानी कि जो पेन है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम अलग अलग चीज़ें हम बनाना सीखेंगे, जैसे कि हाँ उसके बाद हम अलग अलग चीज़ें सीखेंगे जैसे कि डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, और शॉर्ट एंडेड वर्जन ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, होम क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, और उससे हम ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार और हेक्सागन बनाना सीखेंगे, जो कि आपके शायद होमवर्क में दे भी रखा है। और उसके बाद हम सर्कल, डॉट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बनाना सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम, उसके बाद फिर हम क्या सीखेंगे, फिलिंग द इमेज विथ सम कलर एंड आउटलाइन कलर, चेंजिंग द टर्टल शेप, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग स्पीड ऑफ टर्टल एंड डिफरेंट पैरामीटर्स इन पेन फंक्शन, फिर क्लोनिंग द टर्टल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पर आर्यन और जो गावरी है, ठीक है ना, उसकी डिस्कशन चल रही है, जैसे कि हमने जो चैप्टर वन था हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन दोनों की जो डिस्कशन है चलेगी, और इनकी डिस्कशन के बीच में ही हम बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, गौरी कहती है, हे आर्यन, आई रियली विश टू प्रिपेयर ए पैटर्न फॉर माई सेल्फ यूजिंग प्रोग्रामिंग। इट विल बी गुड टू स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग माई प्रोग्रामिंग स्किल्स, व्हाट डू यू से। तो गौरी क्या करना चाहती है, गौरी बनाना चाहती है पैटर्न। ठीक है, गौरी पैटर्न बनाना चाहती है अपने लिए, और वहाँ पे वो यूज़ करना चाहती है प्रोग्रामिंग। अब देखिए यहाँ पे हमें पैटर्न का मतलब समझाता हूँ। पैटर्न मतलब कोई भी चीज़, हो सकता है कि आप रेक्टेंगल बना रहे हो या फिर आप सर्कल बना रहे हो। ठीक है, या फिर जैसे होता है ना आप स्टार बना रहे हो, तो ये अलग अलग, तो इन चीज़ों को यूज़ करके ना आप अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। तो गौरी वही करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर वो यूज़ करेगी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो आर्यन कहता है, गौरी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वी विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट, एंड हु नोज इफ इट डज नॉट वर्क। मतलब अब आर्यन कहता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मुझे ऐसा, और क्या पता कि वो चीज़ काम करे या फिर ना करे। तो गावरी इस पर क्या कहती है, व्हाट इज़ देयर टू लूज़ आर्यन, मतलब ट्राई करने में क्या जा रहा है। सही बात है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। मोर एवर इट डज़ नॉट टेक मच टाइम विथ पाइथन टर्टल टू मेक पैटर्न्स। ठीक है, फिर गावरी कहती है, लेकिन अगर हम पाइथन टर्टल का यूज़ करेंगे ना, तो जो पैटर्न है उसे बनाने में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। तो आर्यन कहता है, टर्टल ये क्या होता है, टर्टल क्या होता है, एज इन दैट वी सो इन जू ऑल्सो लिव्स इन कंप्यूटर, मतलब जो हमने जू में देखा है। तो जो जू है, जू में हमने क्या देखा है, कछुआ, क्या ये वही है क्या, तो ये वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्टल की बात हो रही है ये वो नहीं है। एंड यू आर टेलिंग इट कैन ड्रॉ शेप्स एंड पैटर्न्स बाय मूविंग एज पर माई विश। मतलब आर्यन कहता है कि जो टर्टल है, क्या ये वो है जो मैंने जू में देखा है, और क्या वो मेरे कहने पर, वो मूव करने पे वो पैटर्न बनाएगा, शेप्स बनाएगा। तो गावरी कहती है, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्टल दैट इज़ ए लाइब्रेरी इन पाइथन। तो टर्टल क्या होती है, पाइथन में ना एक लाइब्रेरी है। देखिए, जिस तरीके से हमारी रियल लाइफ में लाइब्रेरी होती है, तो वहाँ पर ना बुक्स होती है। ठीक है, वहाँ पर बुक्स होती हैं, उसी तरीके से पाइथन जो हमारी प्रोग्रामिंग है ना, तो वो भी क्या एक तरीके की लाइब्रेरी है टर्टल की। ठीक है, तो वहाँ पर हमको अलग अलग तरीके की ना शेप्स वगैरह मिल जाती हैं। तो वहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर हम जो पाइथन टर्टल है, हम उसका यूज़ करने वाले हैं अलग अलग शेप्स बनाने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो गौरी कहती है, ए लाइब्रेरी इज ए सेट ऑफ फंक्शंस दैट वी मे यूज इन अवर प्रोग्राम टू मेक प्रोग्रामिंग ईजियर। तो लाइब्रेरी क्या है? एक सेट ऑफ फंक्शंस है, ठीक है, सेट ऑफ फंक्शंस है। अब सेट ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है? मतलब कुछ यहाँ पर हमें टैग है, मतलब कुछ कोड है, ठीक है, कुछ सर्टेन कुछ पर्टिकुलर कोड है जिनकी मदद से हम जो शेप्स वगैरह हैं हम वो बना सकते हैं। आप यहाँ पे इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो सेट ऑफ फंक्शंस का मतलब है कुछ सेट ऑफ कोड है, अगर मैं वो लिखूँगा तो वो उसी हिसाब से वो मूव करेगा, वो आगे पीछे वो ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। दैट वी मे यूज इन अवर प्रोग्राम टू मेक प्रोग्रामिंग ईजियर। मे बी यू विल लर्न पाइथन प्रोग्राम्स वन डे इफ यू चूज टू बी ए कंप्यूटर प्रोग्रामर इन फ्यूचर। आर्यन, डू यू नो whatever work a computer does for us is due to coding of the softwares by these intelligent people called programmers। तो गौरी कहती है कि हो सकता है कि फ्यूचर में आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बन जाओ, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर वो पर्सन है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो हमारी जो वेबसाइट वगैरह है ना वो डिज़ाइन करता है, मतलब वो बनाता है, ठीक है। और वहाँ पर वो किस चीज़ को यूज़ करता है? वो यूज़ करता है कोडिंग का। तो गाबरी वही कह रही है कि हो सकता है तुम बड़े होकर तुम एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आप बन जाओ, अगर आप चूज़ करते हो ऐसा, तो ठीक है। अब जो प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो यूज़ करते हैं कोडिंग का, ताकि वो अलग अलग चीज़ें बना सके। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पर हम पाइथन टर्टल की मदद से हम क्या बनाने वाले हैं? देखिए यहाँ पर हम पाइथन टर्टल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाने वाले हैं, ठीक है, हम एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं, हम एक स्टार बनाने वाले हैं। तो अब हमारा जो असली काम है वो अब शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें बता रखा है कि हमें अपने जो कंप्यूटर है या फिर जो लैपटॉप है उसके अंदर हमें पाइथन हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। जैसे यहाँ पे जो क्रोम है वो ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। गूगल वगैरह आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए आप, इसको साइड कर देता हूँ मैं, यहाँ लिखिए आप, ठीक है, पाइथन डाउनलोड। फिर यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड पाइथन, ठीक है। यहाँ पर या फिर आप ये जो वेबसाइट है उसका जो URL है आप वो भी देख सकते हो, https://www.python.org, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हो, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट इस पर जाऊँगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड पाइथन, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो पाइथन है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पाइथन है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमको जाना है शो इन फोल्डर, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद राइट क्लिक, फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, फिर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट करना है बस, ठीक है। तो जब ये डाउनलोड हो जाए, जब ये पूरा डाउनलोड हो जाए, फिर आपको यहाँ पर जो टाइप हेयर सर्च नज़र आ रहा है ना, आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन, ठीक है। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी पाइथन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है ओपन पे। हाँ, जब आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा इंस्टॉल का और एक आएगा कस्टम का, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट जो इंस्टॉल है आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। या फिर मैं काम करता हूँ, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कि आप इसको अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे, यहाँ पे टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जाना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में। फिर यहाँ पे देखता हूँ मैं पाइथन, देखिए रहा पाइथन मेरा ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है, ठीक है। तो इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ।
ये थोड़ा टाइम ले गया, मतलब टाइम ले गया थोड़ा सा अनइंस्टॉल होने में। तो यहाँ पे ये अनइंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, रन, यस। अब देखिए यहाँ पर हमें इंस्टॉल नाउ पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, यहाँ पे आपको कैंसिल नहीं करना, ठीक है। अभी ये इंस्टॉल हो रहा ही है। होने वाला है, होने वाला है। ठीक है, अब ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पाइथन, देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन हो गया है, ठीक है। अब हम अपनी बुक की तरफ चलेंगे। ये रहा, ठीक है। तो ये हम अपनी बुक पर आ चुके हैं, तो ज़रा इसको हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना इन लोगों ने आपको लिंक भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक भी दे रखा है, आप चाहो तो इस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ बता रखी है, मतलब डाउनलोड कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। और उसका जो इंटरफेस है वो आपको कैसे नज़र आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने भी डाउनलोड कर लिया होगा। अब चलिए नीचे चलते हैं। तो देखिए इसे हम बोलते क्या, इसे हम बोलते हैं पाइथन आइडल, ठीक है। पाइथन आइडल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। गौरी क्या कह रही है, द टर्टल जस्ट अमेजिंग, रिमेंबर आई टोल्ड यू इट्स स्टमक इज ए स्टोर, इट हैज़ एवरीथिंग यू नीड टू ड्रॉ एंड इट्स स्टमक एंड व्हेन इट मूव्स द लाइंस शेप्स कलर्स एटसेट्रा कम फ्रॉम इट्स स्टमक एंड वोइला मैजिक गेट्स क्रिएटेड फॉर यू, लेट्स इन्जॉय द कंपनी ऑफ दिस टर्टल इन कंप्यूटर्स। तो गौरी क्या कह रही है कि जो जो टर्टल है वो बहुत अमेजिंग है, उसके पास ना एक पेट है, पेट, ठीक है। अब उस पेट में क्या है, उस पेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वो मूव करेगा ना, उस हिसाब से वो लाइन्स शेप्स कलर्स वगैरह वो ड्रॉ करता रहेगा, ठीक है, और मैजिक होता रहेगा। अब यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है कि जो स्क्रीन है वो क्या होती है और जो टर्टल यानी कि जो पेन है वो क्या होता है, ठीक है। तो गौरी क्या कह रही है, द फाइल दैट वी जस्ट ओपन फॉर ड्रॉइंग ए शेप विद द हेल्प ऑफ टर्टल वी नीड टू राइट ए फ्यू कमांड्स टू प्रिपेयर अवर कैनवास एंड पेन फॉर ड्रॉइंग, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम ड्रॉइंग करते हैं ना, तो हमारे पास या तो पेज होता है, ठीक है, या फिर अगर हम एक अच्छे मतलब बहुत बड़े पेंटर हैं, तो आपने देखा होगा ना एक बड़ा सा मतलब पेज होता है, काफ़ी बड़ा सा, और वो उस पर मतलब स्टैंड वगैरह पे खड़ा रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कैनवास बोलते हैं। तो ये उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो आलतू फालतू चीज़ें, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम हमारा जो कैनवास है पहले वो ओपन करने वाले हैं और पेन लेने वाले हैं, कैसे, जो हमारा पाइथन है उसकी मदद से, जो हमने सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल करा है उसकी मदद से, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें ना कुछ कमांड्स हमें टाइप करनी पड़ेंगी, ठीक है। द कोडिंग एरिया इज द प्लेस वेयर वी राइट द इंस्ट्रक्शन फॉर ड्रॉइंग शेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमें नीचे दे रखा है ना, एक मिनट, ये जो हमें पाइथन दे रखा है, ये जो हमने ओपन कर रखा है यहाँ पर, एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है। तो ये जो हमको पोर्शन दे रखा है, ठीक है, ये जो हमको इतना पोर्शन दे रखा है, ये क्या हम यहाँ पे करने के वाले हैं, यहाँ पर हम कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। कोड हम यहाँ पे करेंगे बट उसका असर कहीं और दिखेगा, कैसे अभी पता चल जाएगा आपको। तो चलिए फिर देखते हैं जादू। पहले मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्क्रीन एरिया इज प्लेस वेयर वी एक्चुअली सी द शेप दैट वी ड्रॉ यूजिंग इंस्ट्रक्शन। तो जो स्क्रीन एरिया होगा वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, अभी हमें सिर्फ जो कोडिंग एरिया है ना बस हमको वो दिखाई दे रहा है। स्क्रीन एरिया हमको तब दिखाई देगा जब हम कोड लिखेंगे, ठीक है, और जो हमारा पेन है वो मूव करेगा, ठीक है। तो पेन ना हमारा इस टाइप का होगा, इस टाइप का, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये छोटा सा छोटू, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये टर्टल है हमारा, टर्टल, ठीक है। तो टर्टल हमारे यहाँ पे लिए, तो टर्टल हमारे यहाँ पे क्या है, पेन है, पेन, ठीक है। तो इस टर्टल की मदद से ही हम शेप वगैरह बनाने वाले हैं, कहाँ पर, स्क्रीन एरिया पर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो स्क्रीन एरिया वो क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि जो स्क्रीन एरिया है वहाँ पर हम जो शेप्स वगैरह वो बनाते हैं, मतलब हम खुद से नहीं बनाते हैं, हम जो हमारा कोडिंग एरिया होता है वहाँ पर हम कोड लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्क्रीन एरिया होता है वहाँ पर हमें जो लाइनें हैं, जो जो शेप्स वगैरह वो हमको नज़र आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है इन्होंने कि पेन की जैसे जैसे पेन मूव करेगा, ठीक है, हम उसकी मदद से रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सारी चीज़ें हम ड्रॉ कर सकते हैं। आर्यन कहता है, इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज शो मी हाउ टू ड्रॉ दिस यूजिंग दिस पेन शेप्ड टर्टल। नाउ आई एम ऑल्सो लविंग दिस आइडिया ऑफ योर्स, इट इज रियली सुपर कूल बॉय। ओके, तो गावरी कहती है कि पहले ना आपको ना ये तीन कोड लिखने पड़ेंगे, कौन सा, एक होगा इम्पोर्ट टर्टल, फिर src इक्वल टू टर्टल डॉट स्क्रीन, और उसके बाद आपको ब्रैकेट से आपको क्लोज करना है, ठीक है। फिर पेन इज इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल, फिर आपको ब्रैकेट से आपको क्लोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो पाइथन होता है ना वो केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी कोड है ना वो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, मतलब जो कैपिटल है वो कैपिटल में लिखना पड़ेगा और जो स्मॉल है उसको आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कोड काम नहीं करेगा। देखिए HTML एक लैंग्वेज है जिसके अंदर ना आप चाहे स्मॉल लिखें चाहे आप कैपिटल लिखें वहाँ पर वो कोड काम करता है, बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पर अगर कोई कोड है, ठीक है ना, उसमें अगर एस स्मॉल है तो आपको वो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, आप उसको कैपिटल में नहीं लिख सकते। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, मतलब कि वहाँ पर जो स्मॉल है आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा और जो कैपिटल में है उसको आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारा जो पहला प्रोग्राम है हम वो लिखने वाले हैं, ठीक, मतलब जो पहला हमारा कोड है हम वो लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करें फिर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना जो पाइथन है वो आपको ओपन करना है, ठीक है, वो तो हमने ओपन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, तो पहले मैं ना जिसको ज़रा स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है, इसको और स्मॉल कर लेता हूँ इसको, और उसको लेकर आता हूँ मैं इधर, ठीक है, और ये रहा, ठीक है, नहीं इसको छोटा करना है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से कोड लिखने हैं, मेरे साथ साथ लिखिए आप, ठीक है। पहले लिखना है import इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट टर्टल, ठीक है, फिर एंटर, उसके बाद SCR इक्वल टू, ठीक है, फिर TURTLE, फिर डॉट, ठीक है, फिर कैपिटल SCREN, फिर ब्रैकेट, एंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो स्क्रीन एरिया है वो आ गया है, ठीक है, स्क्रीन एरिया हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हमें लेना है पेन, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास
ये स्क्रीन एरिया हमारे पास आ चुका है, लेकिन इस पर हम डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पेन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पेन हम वो कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें कोड दे रखा है, ये देखिए लिखा हुआ है ना पेन टर्टल। ठीक है, तो लिखिए मेरे साथ पेन इक्वल TURTLE। ठीक है, फिर डॉट कैपिटल TURTL। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, अब एंटर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो टर्टल है यानी कि जो पेन है वो हमारा आ गया है। ठीक है, यानी कि ये तीन चीज़ें हमें लिखना ज़रूरी है। जब हम इम्पोर्ट टर्टल और src.equal, ठीक है सॉरी src.equal.turtle.screen, सिर्फ ये दो टैग लिखेंगे ना, सिर्फ ये दोनों लिखेंगे तो हमारे पास जो हमारी स्क्रीन एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, और जब हम लिखेंगे पेन इक्वल टर्टल डॉट टर्टल और वहाँ पे लगा देंगे हम हमारे ब्रैकेट, तो वहाँ पर हमारे पास जो टर्टल है यानी जो पेन है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो हमारी शेप्स हैं जो लाइन वगैरह हम वो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे कोड देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको दोनों को मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, अगर मज़ा नहीं आ रहा, आई थिंक आपको पढ़ने मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा नहीं आ रहा तो यार थोड़ा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग टू प्रोग्रामिंग विद टर्टल। ठीक है, तो गौरी कहती है इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ ए लाइन इन नोटबुक व्हाट डू यू डू। मतलब गौरी कहती है आर्यन से कि अगर मैं कहूँ कि तुमको एक लाइन ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में तो क्या तुम वो कर सकते हो। तो आर्यन कहता है या इट इज़ नॉट फनी आई नो, आई विल टेक ए ब्लैंक पेपर एंड ए पेन एंड ए पेन। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं एक ब्लैंक पेपर लूँगा और एक पेन लूँगा। ठीक है, और मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, सिंपल। ठीक है, तो गौरी कहती है वाओ इट रियली इज एज सिंपल एज दैट, सी आई शो यू द कैनवास और स्क्रीन इज योर पेपर। मतलब जो हमारे पास जो स्क्रीन एरिया है वो हमारे लिए क्या है, वो कैनवास है। ठीक है, मतलब एक तरीके का पेपर है। ठीक है, जो टर्टल है, ठीक है, जो टर्टल पेन है इज योर ऑन स्क्रीन पेन। वो क्या हमारे लिए, वो ऑन स्क्रीन पेन है। देखो जैसे ये है तो ये ऑन स्क्रीन पेन नहीं है। ठीक है, जो वहां पर जो हमारे पास जो टर्टल है, ठीक है ना, वो हमारे लिए क्या है, वो एक ऑन स्क्रीन पेन है। कमांड्स दैट यू विल गिव विल मेक द लाइन। मतलब जो कमांड हम देंगे ना, जो वहाँ पे हम कोड लिखने वाले हैं उसकी मदद से वो लाइन वगैरह वो ड्रॉ करेगा। ठीक है, नाउ व्हेन आई से टर्टल इट मींस द पेन। मतलब अब जब भी मैं टर्टल बोलूँगा तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ पेन की। वो जो पेन वहाँ पर नज़र आया था ना, इस तरीके का, इस तरीके का पेन नज़र आया था। ठीक है, कहाँ है, एक मिनट देखिए, ये रहा ना, ये तो ये है टर्टल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम और कुछ ये सीखने वाले हैं। देखिए जैसे कि हम डायरेक्शन देना सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास पेन है, अब हम डायरेक्शन देना सीखेंगे, जैसे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए कि जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो क्वाड्रेंट है उन्होंने वो बता रखा है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए जैसे नॉर्मली आपने कभी ग्राफ बनाया होगा, ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये होता है हमारा वाई। ठीक, तो ये होता है हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट और ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है ना उसके अंदर जो एक्स होते हैं और जो वाई होते हैं दोनों प्लस प्लस के आते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ये देखिए ये मैंने ग्राफ लिया। ठीक है, आप ऐसी मतलब ग्राफ पेपर पर आप ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे आप लिखते हो एक्स, यहाँ पे लिखते हो माइनस का एक्स। ठीक है, या फिर एक्स आप वो लगा देते हो कोमा कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखते हो 1 2 3 4 और ये यहाँ पर होता हमारा 0। ठीक है, फिर -1 -2 -3 और ऊपर 1 2 एंड 3 और नीचे -1
यहाँ पे माइनस वन और ये माइनस टू और ये माइनस थ्री, ठीक है। तो अगर जैसे आपको मैं बोलूँ कि ये पॉइंट है थ्री और टू, ये आपको दिखाना है यहाँ पर, तो आप कैसे दिखाओगे? तो देखो जो स्टार्टिंग का नंबर होता है ना वो एक्स का होता है, दूसरा होता है वाई वाई का, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे प्लस का है, तो एक्स हमारे पास प्लस का ये रहा थ्री, और वाई हमारे पास टू, वाई का टू है, मतलब वाई वाई तो ये वाली है ना हमारे पास, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, ये हमारे पास वाई है, ठीक है। तो वाई का जो प्लस टू है वो ये रहा और एक्स का ये रहा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इस पॉइंट को हम शो कर सकते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे दिए ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों एक्स और वाई प्लस प्लस के आते हैं। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि क्वाड्रेंट वन जो होता है उसके अंदर एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस के आते हैं। उसी तरीके से जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें यहाँ पे देखो एक्स हमारा क्या है, माइनस का है, ठीक है। यानी एक्स हमारा माइनस का आएगा और जो वाई हमारा किसका आएगा, वो प्लस का आएगा, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा माइनस होता है और वाई हमारा प्लस का होता है। और जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होता है, देखिए यहाँ पर एक्स हमारा माइनस का होता है, देखिए है ना, ये एक्स हमारा माइनस का है और वाई हमारा क्या, वो भी माइनस का है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स हमारा प्लस का और वाई हमारा माइनस का, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं जो आपकी बुक में फिगर दे रखी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स हमारा प्लस का, वाई हमारा प्लस का, सेकंड में एक्स माइनस का, वाई प्लस का, और थर्ड में एक्स माइनस वाई भी माइनस का, और क्वाड्रेंट फोर में एक्स प्लस का और वाई माइनस का, ठीक है। अब इसका यहाँ पर रोल क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए इसकी मदद से ना यहाँ पर हम डायरेक्शन देने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पर करने वाले हैं, हम डायरेक्शन देने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये तो हमने समझ लिया, तो चलिए अब हम डायरेक्शन दे के देखते हैं, ठीक है। इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ मैं, तो देखिए स्टार्टिंग के जो तीन कमांड थे वो तो आपको आ गए समझ में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ना हम डायरेक्शन देना शुरू करेंगे। देखिए जैसे अगर मैं लिखता हूँ पेन डॉट फॉरवर्ड और ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं 100, तो 100 का मतलब क्या है कि 100 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 100 का मतलब क्या, 100 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि अब जो टर्टल था उसका मुँह मेरा इस तरफ था, इसीलिए वो यहाँ पर वो चला गया क्या, फॉरवर्ड 100, फॉरवर्ड 100, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि मैं इसको 90 कर देता ना, 90 कर देता, तो ये जहाँ पे जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कम होता। मैं ज़रा इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं पेन, ठीक है, फॉरवर्ड 100, सॉरी यहाँ पर कोड गलत हो गया, पेन डॉट फॉरवर्ड 100, अच्छा सॉरी इक्वल नहीं लगाना था हमें यहाँ पर, पेन डॉट फॉरवर्ड 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मूव कर गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ पेन डॉट लेफ्ट 90, तो देखिए अब यहाँ पर ये लेफ्ट की तरफ ये मुड़ा है, लेफ्ट की तरफ देखो ये मुड़ा कैसे एकदम सीधा 90 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ पेन, अब देखिए यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट की तरफ आप 30 डिग्री मुड़ो, देखो ये ऐसा है ना, ऐसा ही है। मैं आपसे इनसे बोल रहा हूँ कि मैं लेफ्ट की तरफ आप 30 डिग्री मुड़ो, तो इसका जो लेफ्ट है, इसका जो लेफ्ट है वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा पेन डॉट लेफ्ट, यहाँ पे लिखूंगा मैं 30, ठीक है। अब देखो ये कैसे मुड़ा है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं पेन डॉट फॉरवर्ड 100, तो देखिए एकदम सीधा चला गया, ठीक है। अब अगर मैं लिखूँ पेन डॉट लेफ्ट,
पेन डॉट लेफ्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30, ठीक है। देखो ये मुड़ गया, ठीक है, बट मैं इसको और बेंड करना चाहता हूँ, मतलब और लेफ्ट की तरफ लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे पेन, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं 60, आई थिंक 60 ठीक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेन डॉट फॉरवर्ड, ठीक है, सीधा नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेन हम क्या था, यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना। देखो जैसे यहाँ पे लेफ्ट फॉरवर्ड लिया था, अब मैं जैसे अगर मैं लिखूँ पे पेन डॉट राइट, ठीक है, RIGHT फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं 40, ठीक है। तो देखो ये राइट की तरफ ही मुड़ा है। अब यहाँ पे मुझे इसको ले जाना सीधा फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 100, ठीक है। तो ये मतलब पहले आपको राइट लेफ्ट, ठीक है, फिर फॉरवर्ड। अब जैसे मुझे अगर बैकवर्ड लेके आना हो तो यहाँ पे लिखूंगा पेन डॉट बैकवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100, ठीक है। तो देखा ये वहीं पर वापस आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो यहाँ पे इन्होंने फॉरवर्ड जाना पहले इन्होंने बता रखा है, ठीक है, फॉरवर्ड आप कैसे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जो इसकी कमांड है वो लिख रखी है, ठीक है ना, टर्टल फॉरवर्ड एंड टर्टल फॉरवर्ड, मतलब एन यहाँ पे क्या है, मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको बता रखे हैं पॉइंट्स, ठीक है, पिक्सल्स, मतलब पहले मैंने आपको बोला था ना कि डिग्री, बट यहाँ पर ये ले रहे हैं पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। जैसे अगर आप 90 पॉइंट दे रहे हैं तो एकदम ये सीधा जाएगा, ठीक है, अगर 100 दे रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे, इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर वाला कोई हिसाब किताब नहीं, ठीक है, नहीं तो आप बोलो, आप सोचो कि वो 1 सेंटीमीटर आगे जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाएगा। तो ठीक है, ऑल राइट, आपको ये जो कोड है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, टर्टल फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, ठीक है, या फिर जिस तरीके से मैंने यूज़ करा आप उस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे यूज़ करा पेन डॉट फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टर्टल डॉट फॉरवर्ड लिखा है इन्होंने, तो जैसा आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि आप इसको ना शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, जैसे टर्टल फॉरवर्ड, ठीक है, तो शॉर्ट में ना आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कैपिटल टी डॉट एफ डी, ठीक है, फिर आप उसको कितना बढ़ाना चाहते हो, जैसे 100 तो 100 लिख दो यहाँ पर, ठीक है, और बैकवर्ड के लिए यहाँ पर टी डॉट बी के, फिर आप उसको 50, ठीक है, फिर टी डॉट आई टी, ठीक है, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट की तरफ, ठीक है, और राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किस चीज़ के बारे में बता रखा है, एक मिनट, ये ज़रा इरेज कर देता हूँ। अब इन्होंने बता रखा है होम एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक है, तो इसको समझना ज़रूरी है, होम एंड क्वाड्रेंट्स। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम होम एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकेंगे।